गाइस लास्ट एपिसोड कोपू, हमारा कोपू ने क्या भाग भाग के कॉमेडी की है भाई। फिर उसके बाद कोपू के सीने में खंजर उतार दिया ऋतिक भाई ने, खटाक। फिर उसके बाद भाई अभी आगे देखने हैं क्या होता है। उसी टाइम पे इन्होंने एपिसोड खत्म कर दिया। सो गाइस एक और चीज़ आपसे बोलना चाहता हूँ कि कल है थर्सडे, कल लाइट नहीं होगी। सो अगर कल कोई भी एपिसोड नहीं आया तो आप गुस्सा मत कीजिएगा, बिकॉज आपको पता है लाइट नहीं है, थर्सडे को हमेशा लाइट नहीं रहती है मोहल्ले में हमारे। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपके लिए लेके आए एक और बेहतरीन पेशकश बाय डरली सर तुरुल सीजन 4 एपिसोड नंबर 73। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक दरखास्त करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। ये है हमारा इंस्टाग्राम, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे आईडी दी हुई है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। ये ऐसा पहला एपिसोड होगा जो स्टार्टिंग में इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। खून साफ कर, रुमाल भी रखता है ये, अभी तक ये स्टाइल मारना बंद नहीं कर रहा। पागल हो गए। मत बोल असलेहान, तुरगुत भाई ने कुल्हाड़ा मारना है तेरे। सही बात है, ये जमीन तुम्हारे खून से रंगेगी। कैसे चल रहा है? और तुम्हारा सुर, अरे बाप रे, खत्म हो जाएगा आज। अरे बाप रे, ये अलग तरीके से मार रहे हैं आज। ये हंस रहा है बेवकूफ, दिखाया तो है नहीं। अच्छा सीन दिखाया नहीं भाई, कोपू को मार दिया इन्होंने। मेरे को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि कोपू चला गया। वो देख, अरे यार पूरा ब्लर कर दिया यार, क्या यार मजा खराब हो गया यार, हट। ये गलत किया, ये बहुत गलत हुआ है, सच बता रहा हूँ मैं। ये इन्होंने पीटीवी वालों ने पूरा ब्लर करके ना पूरा कांड कर दिया। इतने सारे लोगों के गले कटते हुए दिखाए नहीं यार इन्होंने। यार
चल रहा है इधर? सही बात है। और अब मुझे यकीन हो जाएगा कि रियासत के वफादार इस रियासत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। सब देख लेंगे कि तुर्क रियासत हमेशा इसी तरह कायम उतायम रहेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक काम करेंगे, हम वो वीडियो डाल देंगे है ना, टीआरटी से लेके इसका गला कटते हुए, ठीक है? आपने देख ही लिया होगा, अभी तक हमने एडिट कर ही दिया था। इनको भी खुशखबरी मिलेगी। कोपेक चला गया, सैमसंग जानम चला गया। इंशाल्लाह बिल्कुल होंगे, बेशक होंगे, आ रहे होंगे वो तो। आ गए इनको कितनी खुशी होती होगी ना जब वापस आते होंगे भाई। ओए होए होए, सुंगुर के भाई का स्टाइल ही अलग है। देखो बहुत अलग है, तीनों में से बोल रहा हूँ मैं, इवन इंक्लूडिंग अर्थर भाई, सुंगुर के भाई अलग है। सुना सुना खुशखबरी, अल्लाह के हुक्म से आपकी दी हुई जिम्मेदारी मुकम्मल हो चुकी है। गद्दार सादतीन को बैक अपने अंजाम को पहुंच चुका है। इस रियासत की बका और सलामती के लिए या शहीद हो जाते या गासी बनते। शुक्र है कि अल्लाह की मदद से दुश्मन का खात्मा हो गया। सही है। हमारे दरमियान गद्दार और उनकी मदद करने वाले उनके साथी शिकस्त से दो चार हुए। माशाल्लाह। हक का बोलबाला हुआ और बातिल मिट गया। आपने मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन के अबूबा तुर्कुत सरदार की ज़ौजा सलिहान खातून
इंशाल्लाह बिल्कुल जरा जा रही है बिल्कुल। सुधर गई माँ भरी खातन, माँ भरी खातन। बाहर के दुश्मन तो होते ही हैं पर वो अंदरूनी दुश्मन पे ही था ये पूरा सीजन ना, चौथा सीजन वो पिक के ऊपर था ऑलमोस्ट। तीसरा सीजन भी ऑलमोस्ट वैसे ही था ना, सीमोन था। अरे थोड़ा टाइम था वो तो। हार्ली बाजार कितने टाइम के बाद अर्तुल भाई कोई नए लिबास में है क्या, है ना? नया आएगा भी आपकी दावत पर बहुत से माहिर कारीगर और ताजर आबाद होने के लिए हाल ही बाजार आ रहे हैं। अच्छा
इंशाल्लाह। ऐसे लगता है कभी कभी ये हमको ही बोल रहे हैं, इसलिए हम बोल देते भाई इंशाल्लाह आमीन। अच्छा लगता है यार। माबरी खातून थोड़ी है, कोई और ही है। इसे क्या देख रहा है? कौन था वो? ओए होए जश्न, कोई तो आया है यार। तेरे भाई से तो मिलेंगे फॉर श्योर, है ना? लफड़ा तो नहीं करेगी? चल रहा है इसका, ये मार खाना चाहती है क्या? अरे पहले
बताकर बेचते रहो। खातून, मैंने कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से। ओ बाप रे, बंदी है कौन? वो मार दी। आप कैसे मार रही है? लात भी मार रही है। कौन है तेरा फुफड़? है मत उलझ भाई, तरस आता है मुझे इसके लिए। आ गए, आ गए फुफड़, आ गए तुम्हारे। अरे बाजार का मालिक कौन है भाई? सुना नहीं है क्या? अच्छा स्टाइल देखो मेरे भाई का। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुर। अब तुम बताओ, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? नाम है अर्बिला खातून, एक ताजिर हूँ मैं, और ये मेरा भाई अरनीजे अर्मिला। पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन शिकारी, छोटी छोटी तीर मारता है क्या? दुनिया के सबसे माहिर चमड़ा साज है। ओए होए होए, क्या है चमड़ा? अच्छा, बहुत अच्छे। तो अब ये बताओ कि बाजार के ताजिरों से झगड़ा करने की क्या जरूरत पेश आई? इस शख्स पर तो अफसोस होना चाहिए आपको, क्योंकि ये ताजिर नहीं लुटेरा है। हम जंगल में जानवरों का शिकार करते हैं और उनकी खाले बाजार में बेचते हैं, फरेब नहीं करते किसी से, और ना ही इस ताजिर की तरह भेड़ की खाल को हिरण की खाल बताकर बेचते हैं। ये ताजिर आपके बाजार में सबको धोखा दे रहा है। मंगोलों के जुल्म से जान बचाकर हम इस बाजार में पहुंचे हैं, और ऐसे ताजिरों के हाथों की बहुत परेशानियां झेली हैं हमने, जो हमारे ही हाथों बनाए हुए चमड़े को यहाँ दुगनी कीमत पर बेचते हैं। हमने बहुत जगह तिजारत की है अर्तुरुल सरदार, गैर मुस्लिम ताजिर से ज्यादा बेहतर है। या तो हम आप पर भरोसा करके दूसरे ताजिरों की तरह इस सरजमीन को अपना मुस्तकिल मस्कर बनाए, या फिर अपने अजदाद की तरह गैर मुस्लिमों की जमीन पर हमला करके कब्जा कर लें। खातून ने जो कहा वो सच है, तिजारत के लिए जो बेहतर होता है वही करते हैं सरदार। मेरा माल दुकान में सबके सामने मौजूद होता है, जिसको पसंद आता है वो खरीद लेता है। तो चमड़ा बनाते हुए दरख्त से ताजा कीमियाई मवाद के बजाय वो सीधा और सड़ा हुआ मवाद इस्तेमाल करते हो। मजीद ये कि तुम भेड़ की खाल को सही तरह साफ भी नहीं कर सकते। भाई साहब माहिर है भाई, बंदी है। नॉलेज तो देखो बंदी। यहाँ तक कि तुम तो भेड़ की खाल को हिरण की खाल बताकर बेचते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ताजिर के नाम पर मुनाफिक हो तुम। पूरा भाई उसको जवाब तो क्या नहीं फरमाया? जेल ही उतना।
वो भाई। अरे बाप रे। आर्थर भाई, आज के बाद मैं इस ताजर को अपने बाजार में नहीं देखना चाहता। जो आपको हुकुम भाई। आर्थर रुसना, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे, भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये खराब तो नहीं है बंदी, पता नहीं यार। ये बात ज़हन में रखना कि यहाँ का जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मेरे अहकामात की तामील नहीं की तो तिजारत के बजाय तुम्हें मेरे गज़ब का सामना करना पड़ेगा। चले आर्थर भाई। माशाल्लाह। इस खातून पर कड़ी नजर रखिएगा आर्थर भाई। इसके उठाए गए हर कदम का इल्म हो मुझे। बिल्कुल ऐसा ही होगा भाई। मिल गई दुकान है? क्या बात है। ये देखो, ये एक ही कपड़े पहनता रहता रोज। हाँ। इसके पास दूसरा कुछ है ही नहीं। येलो लाइनिंग मक्तूब आया। आपके लिए मक्तूब आया जनाब। क्या हो गया? क्या हुआ क्रेटोस? बहुत जाने लश्कर भेजने का नाम तय कर दिया है। वो चाहते हैं अंग बरकरार रहे। प्रस्त इंसान मैं उस इंतजार था लश्कर का। सुल्तान के अमित की जग पर होते वक्त ही हम आर्थर को खत्म कर सकते थे। हार नहीं मान सकते क्रेटोस। हार किस हार नहीं माने गया हूं है।
ये किरीटोस खुद को मारना चाहता है, खुद के खात्मे का बायस बनना चाहता है ये किरीटोस। किरीटोस काय कविता यार, हमारे कबीले में दरवाजे कब लगेंगे, मैं कब से वो सोच रहा हूँ। दरवाजे लगने चाहिए भाई, बहुत हो गया अभी। कोई तो आया है। अर्तुरुल भाई तो नहीं? हाँ अर्तुरुल भाई आ रहे ना, हांडी बाजार से। गुंडूस आ गए। आ गए हाय गुंडूस। क्या बात है, यो सबने कपड़े चेंज कर लिए। देखो नए कपड़े पहने। ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे अर्तुल भाई पता नहीं कितने दिन के बाद आए। अभी तो कभी तो थे कभी नहीं। हाँ मिलके तो गए थे। ये गुनाल सरदार भी अर्तुल भाई के साथ हो गया ना अभी। क्या बात है माशा। तलवार बना रहे हैं गुंडों के लिए। ये इनकी कोई रिवायत है। हक है अल्लाह सच है वल्ला, दमीर चाचा के जैसे। बारी बारी एक एक बंदा। माशा बहुत बढ़िया।
पुराने ज़माने में एक तलवार बनाना कितना मुश्किल का काम होता होगा ना भाई। उसको कूटो, गरम कर करके कूटते जाओ कूटते जाओ, एक तलवार बनाने को 4-5 घंटे भाई। अलग ही सीन हो रहा है ये एपिसोड्स में। लुटेरे, बट ये किसका माल है? इंतजार किस बात का है? हमला करते हैं। अरे बहुत सारे लोग है रे, वो नहीं बच पाओगे तुम सब लोग। पर ये है कौन? कोई आइडिया नहीं कौन है ये लोग। सबको पकड़ लिया। सबके गर्दनों पे तलवारें रखी। शक्ल दिखाओ भैया। ओ भाई ये कौन है? बंदा कौन है? अरे क्या नाम है इसका? महाबरी। नहीं तो महाबरी दिखी वो। महाबरी थोड़ी है वो, ललिता है कुछ। अरामीना। अरामीना हाँ, जो भी है उसका नाम याद करने में अभी एक सीजन तो लगेगा मुझे उसका नाम याद करने का। भाई बहुत डेंजर बंदी है भाई वो, उसके बंदे भी बहुत डेंजर है। ओए उसका भाई तो, उसका भाई तो देख। हाँ वो भी डेंजर है। शक्ल पे डायरेक्ट मार गया। ये वो खेल रहे हैं जिसे फर्स्ट सीजन में हाँ। बंसी भाई द्वार माई के साथ खेलते थे। बेड उठा अतुल भाई के साथ मैं बचपन से खेलता रहा हाँ। लेकिन बस इतना कहूंगा कि आज तक उनसे कोई जीत नहीं पाया। शुक्रिया मेरे जवान। कोई है जो दौड़ में शामिल होना चाहता? भाई दोवान बंसी की आवाज भाई। बंसी कोनिया गया था ना, उसकी बीवी कोनिया में अस्पताल में। हाँ यार इसकी आवाज क्यों चेंज कर रही है? अलग अलग अजीब लगता है। तो हफ्सा खातून कैसी है? आपके बच्चे की विलादत हो गई बंसी भाई? वो ठीक है, सब ठीक है। खुशकिस्मती से विलादत भी हो गई है। एक सेहतमंद प्यारी सी बेटी का बाप बन गया। क्या बात है, प्यारी सी बेटी। बड़े खुश भाई, बहुत टाइम के बाद खुश देखा मैंने इन लोग को। कसम से नहीं तो हमेशा दुखी दुखी है ना। परेशानियां ही परेशानियां थी इतनी सारी, बहुत परेशानी बहुत परेशानियां थी।
ये था हमारा रिएक्शन ऑन ड्रिलिस एथ्रोल सीजन 4 एपिसोड नंबर 63 बहुत बेहतरीन था। कुछ समझ नहीं आ रहा है, नए नए बंदे आ रहे हैं, अभी कल पता चलेगा, थोड़ी थोड़ी आगे जाएंगे हम तो समझ में आएगा कि कौन से बंदे हैं, क्या बंदे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक अ वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। तो मिलते हैं अगले शबा के, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।